हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज दोस्तों हमारे पास में होंडा ग्राजिया स्कूटी है और इस गाड़ी में दोस्तों सेल्फ स्टार्ट की प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको गाड़ी का प्रॉब्लम दिखाते हैं। तो जब दोस्तों गाड़ी में हम लोग सेल्फ ले रहे हैं तो हमारा सेल्फ तो रनिंग ले रहा है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है और यही दोस्तों इस गाड़ी की प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा हमारा सेल्फ राउंड ले रहा है पर स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब चलिए दोस्तों आपको किक में स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा स्कूटी किक से स्टार्ट हो रहा है पर सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या चीज़ के फॉल्ट है वो आपको बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, वरना हमारा वर्क आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमने मैग्नेट साइट को कंप्लीट ओपन किया है और एक चीज़ दोस्तों हमने इसमें नोटिस किया है कि इसके आर्मेचर कोयल के अंदर में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डस्ट घुसा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसके मैग्नेट को ओपन करते हैं और उसके बाद इसके आर्मेचर को प्रॉपर वॉश करते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो आप खुद से देखिए दोस्तों कि इसके आर्मेचर वाला कोयल में कितना ज़्यादा धूल मिट्टी लगा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको क्लीन करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसके आर्मेचर कोयल को हमने प्रॉपरली वॉश किया है। अब इसके आर्मेचर कोयल और पिकअप कोयल अब नया जैसा लगने लगा है। तो चलिए दोस्तों मैग्नेट को पहले फिटिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसके मैग्नेट को हमने कम्प्लीटली फिटिंग कर लिया है। अब चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों बहुत ही छोटा सा वर्क होता है, वो आपको बताते हैं। दोस्तों वीडियो को आप ध्यान से देखिए। जो हमारा पिकअप कोयल है दोस्तों उसको थोड़ा सा दोस्तों पेचकस की मदद से मैग्नेट की ओर उठा देना है कुछ इस प्रकार से दोस्तों, और पिकअप कोयल को दोस्तों ज़्यादा नहीं उठाना है वरना पिकअप कोयल मैग्नेट से टकरा सकता है। और ये थोड़ा सा उठाने के बाद दोस्तों आपको छोड़ देना है और सेल्फ स्टार्ट करके चेक करना है दोस्तों। 100% आपके जो सेल्फ स्टार्ट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमने पिकअप कोयल को करीब कर लिया है, अब स्कूटी को स्टार्ट करके देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपको हमने लाइव प्रूफ दिखाया है ये प्रॉब्लम सॉल्व करके, तो ये छोटा सा वर्क हमारा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अगर नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल गैरेज वर्क ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ।